टॉपिक है अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड या गैस भी हो सकती है। देखो अब है क्या हुआ क्या, अगर आपके पास लेट अस सपोज एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, चलो मैंने कंटेनर में लिक्विड लिया उसकी डेंसिटी रो है, मैं इसको 3 किलोमीटर नीचे पानी के नीचे ले गया, तो उस पानी ने इस छोटे से कंटेनर के लिक्विड को क्या किया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम घट गया, मास तो चेंज होता नहीं, वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि कंप्रेस हो गया, डेंसिटी बढ़ गई। आपको बताना है कि अगर इसकी डेंसिटी रो थी तो बहुत डेप्थ नीचे जाके जब प्रेशर में बहुत चेंज आया और प्रेशर ने इस पानी को दबा दिया तो नई डेंसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो कितनी चेंज हुई, फाइनल वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अभी मैं कहीं लेके नहीं गया ऑब्जेक्ट को, मेरा मास यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। डेल्टा रो बाय रो मास कांस्टेंट है, डेल्टा वी बाय वी, मैंने नेगेटिव साइन लगा लिया जानबूझ के क्योंकि ये कंप्रेशन का केस है, पर अगर मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया फिर मैं बल्क मॉडल्स के अंदर भी नेगेटिव लगाऊंगा, बात एक ही है, मैं वहाँ नहीं लगाऊंगा फिर मैं यहाँ पे, एक ही बात है, लगेंगे तो दोनों लगेंगे, नहीं लगेंगे तो दोनों नहीं लगेंगे। चलो मैंने ये लगा दिया डेंसिटी, जो मैं ये शो कर रहा हूँ कि डेल्टा वी यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बॉडी को कंप्रेस। अब डेल्टा रो बाय रो की ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से डेल्टा वी बाय वी क्या होगा, नेगेटिव इधर ले जाओ, इक्वेशन नंबर वन, पहला स्टेप क्लियर है। अब बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा वी बाय वी क्या आ गया, माइनस डेल्टा पी बाय के आ गया, ये भी डेल्टा वी बाय वी है, ये भी डेल्टा वी बाय वी है, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई। डेल्टा रो क्या होता है, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, रो डैश बाय रो, रो बाय रो क्या होता है वन, ये वन राइट साइड पे चला गया, रो ऊपर राइट पे चला गया, फॉर्मूला मार्क करो इंपॉर्टेंट है, नई डेंसिटी रो डैश इज ओरिजिनल डेंसिटी रो, रो डैश इज इक्वल टू रो वन प्लस डेल्टा पी बाई के, ये सीधा फॉर्मूला लगेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो नई डेंसिटी पूछेगा ये फॉर्मूला लगा देना। नहीं इक्वल नहीं किया, डेल्टा रो बाय रो जो था या एरर का रूल लगाया, वो डेल्टा रो बाय रो फ्रैक्शनल चेंज वो लगाया, हाँ नेगेटिव तो इसलिए कंप्रेशन है तो मत लगाओ नेगेटिव, पर अगर ऊपर नेगेटिव नहीं लगाओगे फिर बल्क में भी नेगेटिव मत लगाना, अगर ऊपर लगाया फिर नीचे भी लगाया मैंने बल्क में ऐसे, तो कई बार किसी क्वेश्चन में बल्क मॉडल्स नहीं देता, कंप्रेसिबिलिटी दे देता है, और हमने डिस्कस किया था कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स, तो फिर सी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर मैंने याद नहीं किया हुआ, मैंने ये याद किया हुआ है, मतलब अगर कंप्रेसिबिलिटी दे भी देगा मैं रेसिप्रोकल लेके क्या कर लूँगा, बल्क मॉडल्स निकाल लूँगा। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के साथ बहुत आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, डेंसिटी कैसे चेंज होती है,